हाय यशवंत, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ग्रेट, गुड टू सी यू। और कोविड ब्लूज कैसे चल रहे हैं आपके? कोविड ने कुछ डिस्टर्ब किया आपकी लाइफ को या एवरीथिंग इज गोइंग वेल? ऐसे कह सकते हैं कि चेंज तो आया है, पर कॉलेज तो 6 महीने से ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है, सब ऑनलाइन क्लास। वैसे सो मेरा जो रूटीन है वो रूटीन चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं। मैं सुबह क्लास चलता है, सुबह से शाम तक क्लास चलता है, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता लॉकडाउन लगने से, घर ही पर रहना पड़ता है इसकी। तो यशवंत, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु सेइंग कि फर्क नहीं पड़ा, वरना सबको काफी फर्क पड़ा है। सो गुड, दैट्स ग्रेट, गुड टू नो। ज्यादा नहीं पड़ता है, घर से बाहर ज्यादा जाना नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यशवंत, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर परफॉर्मेंस इन क्लैट 2020। एंड आपका रिएक्शन क्या था जैसे मैं आपको स्कोर पता चला, आपकी ऑल इंडिया रैंक 48 आई है, हाउ डू यू फील? It was really a joyous moment. Actually, it was like a dream come true. उस टाइम ऐसा जैसे देखे रिजल्ट तो वो देखे थे, तो उस टाइम का मोमेंट का जो हैप्पीनेस जो मिला वो आज भी जब सोचते हैं मन में आता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि वो कैसे मतलब पॉसिबल हुआ, वो दोस्त जो मैंने मेहनत की थी 2 साल के लिए, वो सब जो आखिर में रूट मिला उसका उसको देखकर अच्छा लगता है। सोचते हैं काफ़ी जॉयस मोमेंट था, काफ़ी मतलब पूरा फैमिली में काफ़ी खुशे थे, सब काफ़ी खुश थे उस दिन। Now, can you tell us something about yourself? कौन से बोर्ड में आपने स्टडी किया है और कौन से स्कूल आपने अटेंड किया है? So, मैंने बचपन से ही मतलब CBSE बोर्ड से पढ़ाई की थी, तो अप टू क्लास 10th मैंने मसौड़ी में मतलब जहाँ मेरा सिटी हुआ टाउन, और उसी में संत मेरी से स्कूल से पढ़ाई की अप टू क्लास 10th। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना क्लास 12th किया है जहानाबाद से, जो यहीं पर मतलब 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है मेरे घर से, और वही ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल से, वो भी CBSE बोर्ड से किया था मैंने। और CBSE बोर्ड जब मैंने क्लास 12th करा, तो उसी के पैरेलल ही मैंने क्लैट का प्रिपरेशन भी किया था, साथ ही में पैरेलल ही मैंने क्लैट का प्रिपरेशन किया था, बोर्ड का प्रिपरेशन किया था। तो ये काफी चैलेंजिंग है कि साथ में बोर्ड की, काफी स्टूडेंट्स को ये चैलेंज रहता है कि बोर्ड की प्रिपरेशन और क्लैट को कैसे एक साथ करें, तो उस पर भी आएंगे, पूछेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे किया, कैसे मैनेज किया दोनों चीजें। और उसके पहले द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू नो यशवंत, कि MLC में स्टडी करने का व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट स्टडीइंग एट MLC, सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको MLC के बारे में? जो सबसे अच्छा चीज लगा वो था एक सपोर्टिंग बिहेवियर, जितने भी मतलब टीचर्स थे यहाँ पर, जितने स्टाफ्स थे, मतलब इतने सपोर्टिंग थे यार। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी स्टूडेंट को, या फिर किसी चीज़ का डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन है कोई, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप तुरंत मतलब उनसे हेल्प ले सकते हो। वो एनी टाइम वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे, सबसे बड़ी बात वो था। और एक तरह से ये आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ, अगर आप गलती करते हैं तो भी आपको कोई मदद करने वाला है तुरंत। और बाकी तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट पर मैटर करता है कि कितना वो मेहनत करता है, लेकिन जहाँ तक उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो मतलब अपना मेहनत प्लस वो एक तरह से उसका जो इन्वायरमेंट मिला, तो उसका वो बेनिफिट उसको मिलता है। और वही बेनिफिट मुझे मतलब मनु लॉ प्लस मिल रहा था, उनके उनके टीचर्स और जितने सपोर्टिंग स्टाफ थे, उन्होंने किया जो हेल्प करते थे वो। गुड टू नो यशवंत, थैंक यू फॉर दैट, एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आपने भी अपने एंड से मेहनत की और अपने ड्रीम्स को रियलाइज किया। नाउ यशवंत, आप कौन से लॉ के कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड है, कॉर्पोरेट, लिटिगेशन, या किस चीज में इंटरेस्टेड है आपको, फ्यूचर कहाँ दिखता है आपको? एक्चुअली लॉ मैंने ज्वाइन ही किया था ज्यूडिशरी के लिए, मैंने क्लास 10th के बाद ही मतलब क्लैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और सिर्फ एक ही मेरा गोल ही था माइंड में कि मुझे एक जज बनना है। एंड एक जज बनने का ड्रीम ही से स्टार्ट होना है, मतलब अब मैं भले ही अब NLSI में स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उस टाइम नहीं सोचते कि मेरा NLS निकलेगा या कुछ और निकलेगा, इसलिए मेरा अभी भी वही ड्रीम है कि मुझे एक जज बनना है, और उसी के लिए वर्क कर रहे हैं हम। और हम ट्राई करते हैं कि अपने 5 साल के कॉलेज लाइफ में अपना जितना बेटर कर सके, और अपना एक फ्यूचर जज बनने के लिए जितना अच्छा क्वालिटीज मुझे में आ सके इस 5 सालों में, यही मेरा ड्रीम भी है, इसी फील्ड में मुझे आना है। ग्रेट यशवंत, इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी जज है, उसने भी नालसार से लॉ किया था, फिर वो उसने जुडिशरी का एग्जाम देकर एंड देन शी टॉप हरियाणा जुडिशरी, नाउ शी इज आल्सो अ जज। सो वी रियली आई एम रियली हैप्पी दैट यू आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस।
नाउ यशवंत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं, और अपना आपका डेली रूटीन क्या था क्लैट के लिए, कैसे तैयारी की थी आपने? डेली रूटीन तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक बार सिलेबस जब चेंज हुआ ना, उसके बाद से मेरा थोड़ा रूटीन में मेरा चेंजेस आया। सो उसके पहले का रूटीन डिस्कस करने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो अब सिलेबस है नहीं। मेरा जब पैटर्न चेंज हुआ तो उसका किसी को भी कोई आइडिया था नहीं कि मतलब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और इस बार कैसा सबका परफॉर्मेंस रहेगा, कुछ उसका आइडिया था नहीं। तो इसके लिए मैंने खुद का एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाया था। ये था कि मैं दिन में 6 घंटा पढ़ता था, मतलब 6 घंटा, उसमें से 2 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को। ये 6 घंटा मतलब मैं इस बात को ध्यान रखता था कि बाकी लोग भी जितना भी और भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और भी हो सकते हैं मुझसे ज़्यादा 12 घंटा 14 घंटा पे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरा गोल था कि ये 6 घंटा मैं मतलब इतना फोकस के साथ पढ़ूँ कि वो मतलब उन लोगों का बार बार मतलब उन लोगों के इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब उस 6 घंटा का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ मैक्सिमम फोकस के साथ। वही मेरा मेन गोल रहता था। तो ये जो 5 सब्जेक्ट था उसमें मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था स्टार्टिंग में, जो प्रॉब्लम आया पैटर्न चेंज होने के बाद, वो था स्पीड मेकअप करना। क्यों? क्योंकि ये जो अब उसके बाद पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, मतलब सारा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो गया सिलेबस चेंज होने के बाद। सिलेबस चेंज होने के बाद कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपना स्पीड पर और एक्यूरेसी फोकस करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन अलग टाइप का था, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता था जीके में। सो वो सब कोई इशू नहीं था, उस समय वो सब टाइम बचा लेता था। लेकिन अब था कि खुद से आपको मतलब रीड करना था, उसको समझना था, उसको टैकल करना था। इसलिए मैंने फोकस किया कि अपना जितना हो सके मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस करके इसलिए मैंने अल्टरनेट डेज, मतलब ये अल्टरनेट डेज पर मॉक देना स्टार्ट किया। मैं एक दिन मॉक देता था, उसके बाद एक दिन गैप लेकर फिर अगला दिन मॉक देता था, ऐसे ट्राई करके, ताकि मैं अपना जितना प्रैक्टिस करके जितना अपना फास्ट अपना एक्यूरेसी कर सकूँ, अपना स्पीड बढ़ा सकूँ। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। और जहाँ तक टॉपिक वाइज देखा जाए कि जीके के लिए, मैथ्स के लिए, उसके लिए मैंने क्या स्पेशल प्रिपरेशन किया, तो मेरा मेन फोकस होता था जीके, क्योंकि जीके ही जो था ना, और जैसा क्वेश्चन भी आया क्लैट 2020 में, तो जीके को मैंने माइंड में पहले ही सोच रखा था कि जीके सबसे टफेस्ट होने वाला है, क्योंकि जीके जिस तरह से सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आता था वो बहुत टफ था। और उसके लिए मैं अपना 100% का टाइम था उसमें, 60% मैं उसी को डिवोट करता था जीके के प्रिपरेशन के लिए, कि जीके का जितना ज़्यादा हो सके, मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट जितना प्रिपरेशन करता है जीके का, उतना प्रिपरेशन करने का मैंने ट्राई उसमें मतलब अपना ट्राई किया था उसमें। और वही कि सवेर सुबह का जो 2 घंटा होता था उसमें मैंने वही जीके का प्रिपरेशन किया, क्योंकि सुबह सुबह मैंने माइंड फ्रेश रहता था, मेरा पूरा जो एक रीडिंग का जो स्पीड होता था समझने का, वो थोड़ा सा एफिशिएंसी ज़्यादा होता था सुबह सुबह। इसलिए मैं सुबह पूरा जीके कवर करता था, और शाम को मैं मॉक जो एक मॉक देता था उसका सारा क्वेश्चंस को देखता था, रिव्यू करता था कि मैंने क्या गलती की और उस गलती को कैसे सुधारें, नेक्स्ट टाइम वो गलती कैसे ना हो। और प्लस बाकी जितने भी इंग्लिश लॉजिकल मैथ्स वगैरह हैं उसी में कवर करते थे उसे। ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, प्लस मॉक, ये 6 घंटा के अलावा एक मॉक रहता था मेरा। काफी आपने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बताई यशवंत, और आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स काफी बेनिफिट होगी उनसे, क्योंकि इतने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नॉर्मली एस्पिरेंट्स बताते नहीं है, नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपने बताया, तो दैट इज अ गुड प्लस फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है यशवंत, आपने अपनी 12th की प्रिपरेशन और क्लैट, क्योंकि दोनों साथ हुए थे, आपने कैसे मैनेज किया? तो वो तो एक बात है कि लेकिन मैंने एक तरह से सोच रखा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने 10th पास किया तो उस टाइम थोड़ा सा फैमिली प्रेशर आया कि आप तुम साइंस लो, कॉमर्स लो, पर आर्ट्स मत लो, क्योंकि एक तरह से आर्ट्स को लेकर के हेटरेड है सब में, लगता है सबको जैसे कि आर्ट्स थोड़ा सा एक नीचा हो, तो सर लोअर ग्रेड है और आर्ट्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में डिसाइड किया हुआ था कि मैं अगर मुझे लॉ करना है इसके लिए मुझे आर्ट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से आर्ट्स होता है ना, आर्ट्स मेरे लिए एक स्पेशल बेनिफिट इसलिए था क्योंकि आर्ट्स होने की वजह से मेरा जो क्लैट का प्रिपरेशन था और वो प्लस मेरा स्कूलिंग, दोनों एक तरह से पैरेलल चलना उसका इजी हो गया। दोनों सब्जेक्ट सेम रहते थे और जो टॉपिक्स था लाइक एक तरह से मैच करता था। जो चीज़ हम क्लैट में प्रिपरेशन करते थे लॉ में, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इस
उसके लिए, और सिमिलरली मुझे पढ़ना पड़ता था अपने पॉलिटिकल साइंस के बुक में. सो इस तरह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था मतलब स्कूल को कवर करने में. और एक तरह से ऐसे सोशल साइंस मेरा फेवरेट भी था, इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि स्कूलिंग ज़्यादा इशू नहीं हुआ. स्कूलिंग के लिए अपना एक तरह से मेरा अलग शेड्यूल ही रहता था. स्कूलिंग के लिए 3 घंटा रहता था, उसको मैं मेरा स्कूलिंग कवर हो जाता था. बाकी एक आखिरी के 1 मंथ जो बचा था बोर्ड्स का एग्जामिनेशन का, तो उसमें 1 मंथ मैंने क्लैट को थोड़ा सा सेकेंडरी बनाकर और उसको प्राइमरी बनाया था और बोर्ड्स को, उसके बाद उसके उसका प्रिपरेशन पूरे तरह से लग गए थे. और क्योंकि मुझे बस पता था कि मेरे पास 1.5 महीने का उसके बाद भी टाइम रहेगा क्लैट के लिए, सो मैंने डिसाइड किया था कि लास्ट 1 मंथ कम्प्लीटली बोर्ड पर फोकस करना है. सो उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिला. मेरा मतलब 12th में 90% मार्क्स भी आ गए हैं उसमें, और उसके बाद मेरा उस क्लैट में भी सही से हो गया. कॉम्बिनेशन कैसे किया, एमएलसी की भी किताबें पढ़ी और उसके अलावा कोई और किताबों को भी रेफर किया इस चीज़ के लिए? एक्चुअली जब सिलेबस चेंज होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद कोई भी ऐसा बुक नहीं था जो कि न्यू सिलेबस पर वर्क करता हो. सो ऐसे में आपका एमएलसी का जितना मटेरियल्स था प्लस मॉक्स वगैरह यही सब एक तरह से मटेरियल्स होते थे मेरे प्रिपरेशन के लिए. बाकी मुझे पता था कि जितना भी आएगा सब पैसेज बेस्ड ही होगा, इसलिए प्रैक्टिस ही सब कुछ था. और बुक्स मैं समझता हूँ कि कुछ खास चेंजेस नहीं ला सकते किसी की प्रिपरेशन में, क्योंकि अगर आप देखें क्लैट पर तो क्लैट में इंग्लिश, लॉजिकल और लीगल तीन ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको बुक कुछ नहीं करेगा. बुक में जो है उससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से आपको डिराइव करना है उसका आंसर. इसलिए मुझे लगता है कि मैंने ऐसे बुक को यूज़ किया भी नहीं. हाँ ये मैं कह सकता तो इसके पहले मैं बुक कुछ यूज़ करता था रीजनिंग वगैरह का जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद मैंने कोई बुक यूज़ नहीं किया, कोई स्पेशल बुक वगैरह सिर्फ मटेरियल्स यूज़ किए थे. ग्रेट यशवंत. एंड यशवंत, आपने अपने आप को एग्जामिनेशन के समय में डिस्ट्रेस करने के लिए क्या करते थे? आपकी कुछ हॉबीज थे जिसको परसू करते थे, या कौन सी एक्टिविटीज से अपने आप को डिस्ट्रेस करते थे आप? एक्चुअली देखिए तो कुछ डिस्ट्रेस करना कोई बड़ा उसमें कोई इशू नहीं था. ज्यादा एग्जाम को सीरियस मतलब एग्जाम को इतना भी सीरियसली नहीं लेते थे कि मुझे पर स्ट्रेस आ जाए. सो मेरा जो शेड्यूल था 6 आवर्स का उसको बस एक्सटेंड करके 8 आवर कर चुके थे लास्ट 1 मंथ में, और बस यही फोकस रहता. मतलब मुझे स्ट्रेस इसलिए नहीं होता था क्योंकि मुझे मतलब उतना एक पता रहता था कि हाँ मुझे इतना देर ही पढ़ना है, उसके अलावा मुझे उसके बाद मैं क्रिकेट मैच देखूँ, गेम खेलूँ या कुछ भी करूँ, उसके कोई कुछ नहीं बोल सकता है. लेकिन मेरे में इतना हैबिट था कि हाँ वो मेरे पास जो 8 घंटा था उसका मैं मैक्सिमम यूज कर सकता था. मैं उसमें अगर मैं 1 मिनट भी वेस्ट ना हो उसका मैं मेरे पास हैबिट था. इसलिए मुझे बस मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस तब होता जब मतलब मैं अगर दिन के 15 घंटा 16 घंटा लगातार पढ़ रहा हूँ तब स्ट्रेस हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी बैलेंस दोनों अपना लाइफ प्लस अपना स्टडी दोनों को बैलेंस करके रखता था दोनों. Great. And Yashwant, आपको पता होगा that you are an inspiration to thousands of students across the country. आपकी rank की वजह से, आपके 12th की marks की वजह से, तो आपका कोई इन students के लिए message है जो CLAT लिखना चाहते हैं अगले साल या इस साल जो तैयारी कर रहे हैं, आपको उनके लिए कोई message है? मैं अपने experience से बोलूँ तो दो चीज का किसी को भी रखना चाहिए ध्यान, या फिर कोई किसी भी एग्जाम का कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको दो चीज़ का रखना चाहिए बात को ध्यान, और है फोकस और कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मेरे साथ भी प्रिपरेशन करते थे बहुत सारे, जो लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, जैसे जैसे पोस्टपोन होता गया क्लैट का एग्ज़ाम, तो वैसे वैसे अपना उन्होंने अपना होप लूज़ कर दिया. धीरे धीरे उन्होंने प्रिपरेशन ही ख़त्म कर दिया, और प्रिपरेशन धीरे धीरे ख़त्म करना उनका एक तरह से डर लगने लगा कि आप जब प्रिपरेशन करते हैं आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो आपको और लोग वहां पर आएंगे और एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने किस चीज़ एक चीज़ के लिए डिसाइड कर लिया, किसी एक चीज़ का मन बना लिया, तो उसको छोड़िए नहीं, लास्ट तक मत छोड़िए जब तक वो
आपसे होता नहीं। अगर आप, मेरे पापा भी एक कहावत कहते हैं कि किसी भी आदमी को दो नाव पर नहीं रखना चाहिए पैर, किसी एक ही पैर नाव पर रह गया तब वो डूबता नहीं है। यही बात सही है कि अगर आप किसी एक चीज पर, एक नाव पर अगर आप आ गए हैं, किसी एक गोल को बना लिया आपने, बस उस पर आप लगातार कंसिस्टेंट बने रहिए, आपको कोई मतलब आपको लास्ट तक आपका गोल अचीव होगा। और प्लस फोकस, फोकस कब, कि अगर आप मतलब अपना काम कर रहे हैं तो अपना डेडिकेशन के साथ करिए। ये नहीं कि जैसे कि अगर अपना कर रहे हैं अपना खुद के साथ ही, अगर हॉनेस्ट नहीं है कोई, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है अपना, कोई पढ़ाई कर रहा है लेकिन दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है कि हाँ हम अपना लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं और वो कुछ लैपटॉप पे गेम खेल रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, तो ऐसे में वो खुद के साथ ही हॉनेस्ट नहीं है। ऐसा मतलब उसके साथ करने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा प्रिपरेशन ही ना करे। तो मैं कहता हूँ कि फोकस और कंसिस्टेंसी दोनों चीज रहना चाहिए किसी के लिए, जिसको भी एक सक्सेसफुल बनना है उसके लिए दोनों चीज जरूरी है। तो ये ये तो मूल मंत्र आपने बताया, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी टुवर्ड्स सम वंस वर्क। इसी को हम लोग स्टूडेंट्स को और समझाते हुए, इस चीज़ को क्लोज करते हुए मैं यही बोलूँगा कि ये दोनों मूल मंत्रास होने चाहिए स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए। और दिस वाज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन विद यशवंत एंड आई एम रियली हैप्पी दैट he gave us time and he gave a lot of students inspiration towards achieving a top national school in the country. So thank you Ashwin for presenting, and I wish you all the best, and I hope you wish all the, you wish all the best to the students as well. So thank you so much Ashwin. Thanks, take care, bye bye.